सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जो हम आज जिस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब आज मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी, लाइव स्ट्रीम में भी मतलब काफ़ी लोग पूछ रहे थे या बात कर रहे थे इसके बारे में। जब ये डायमंड ग्लिच हुआ था गाइस, तो मतलब मैंने सोचा था पहले मैं वीडियो बनाऊँ, बाद में मैंने सोचा बनाऊँ या ना बनाऊँ, फिर मैंने सोचा सबको तो पता चल गया, फिर मैं सोचा रहने दूँ ना बनाऊँ। फिर अगले दिन जब मैंने स्ट्रीम की तो मैंने देखा कि मेरी स्ट्रीम में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था कि ये ग्लिच आया हुआ है। तो उस टाइम मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने सोचा काश मैं ये वीडियो बना देती, पर चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आज मैं स्ट्रीम कर रही थी तो आज फिर काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी आईडी बैन होगी या नहीं होगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को कवर अप किया जाए। तो गाइस, हाँ, हम आ चुके हैं इस वीडियो को लेकर। इसका आईडी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो डायमंड ग्लिच हुआ था, जो हाइड आउट इवेंट आया था, उसमें जो डायमंड ग्लिच हुआ था, उसमें जो लोगों ने बहुत सारे ग्लिच से मतलब डायमंड्स ले लिए, 1 लाख 2 लाख, हाँ काफ़ी लोगों ने 1 लाख 2 लाख डायमंड तक ले लिए थे गाइस अपनी आईडी में। तो बात करने वाले हैं उनकी आईडी बैन होगी या नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो ये ग्लिच आया था, मुझे भी इस ग्लिच के बारे में पता नहीं चला। अफसोस लग रहा था मुझे इस बात का कि यार काश मुझे भी पता चल जाता, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो नहीं बट मुझे AK मैक्स करनी थी अपनी। बहुत टाइम हो गया AK लिए, अभी तक मैक्स नहीं हुई। तो मैं सोच रही थी मुझे भी पता चलता तो काश मैं भी AK ले लेती, मुझे क्यों नहीं पता चला। बट चलो, थैंक गॉड मुझे नहीं पता चला है। तो गाइस, इसका रीज़न मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि इससे पहले मैं बात करती हूँ, पाकिस्तानी सर्वर में तुम लोगों ने एक ग्लिच के बारे में सुना था शायद से, उसमें भी एक ग्लिच हुआ था। मतलब बहुत सारे, मतलब कोडा शॉप से हुआ था शायद वो ग्लिच, कि तुम लोग डायमंड टॉप अप कर रहे थे, वो लोग तो उसमें पैसे नहीं कट रहे थे बट डायमंड्स आ रहे थे, तो काफ़ी फ़ायदा उठाया था। और सुनने में मिला था कि उनकी आईडीज़ भी बैन हो गई। तो ऐसे ही कुछ इंडियन सर्वर में भी हुआ है अभी रिसेंट हाइड आउट इवेंट में। मतलब तुम लोग जितने भी स्पिन कर रहे थे उससे डबल डायमंड मिल रहे थे। 10 मिनट के लिए ये ग्लिच था, पर 10 मिनट में भी काफ़ी लोगों को पता चल गया था और उन्होंने काफ़ी चीज़ें, मतलब बहुत सारे डायमंड्स निकाल लिए थे। किसी ने तो मतलब 1-3 लाख तक डायमंड्स निकाल लिए थे। मतलब कैरिना को ऑलमोस्ट लूट ही लिया था, बट गैरिना को ये ग्लिच पता चल गया और उसके बाद फिर वो ग्लिच तो बंद भी कर दिया। और फिर जो लोगों ने मतलब डायमंड स्पेंड कर लिए थे वो तो बच गए, बट जिनके जिन्होंने डायमंड्स अपनी आईडी में बचा के रखे थे, उनके डायमंड्स गैरिना ने वापस दे लिए। तो बात आती है जिन्होंने अपनी आईडी पे पैसे डायमंड्स खर्च कर लिए थे, तो उनकी आईडी बैन होगी। तो गाइज, हाँ वो आईडी बैन होगी, बट हाँ टेम्परेरी बैन होगी, उसमें सिर्फ टेम्परेरी बैन लगेगा, मतलब 7-8 दिन के लिए बैन हो जाएगी। मतलब ऐसा सोच लो कि तुम लोगों ने जैसे गन्स वगैरह ली है, मतलब AK मैक्स करी, मैक्सिमम लोगों ने AK UMP और MP40 मैक्स करी होगी, क्योंकि अभी अभी वही निकली थी, ईवो गन्स मैक्स करी होगी। और किसी किसी ने कुछ अपने फेवरेट्स बंडल निकाले होंगे। तो तुम लोग ऐसा सोच लो कि किराए पे लिया था तुम लोगों ने, फ्री में तुम लोगों को 2-3 दिन के लिए ट्रायल के लिए गैरिना ने दे दिया और अब वापस ले लिया, क्योंकि 7-8 दिन के टेम्परेरी बैन लगेगा और उसमें से वो सारी गैरिना वो चीज़ें वापस ले लेगी। और जिसने बहुत ही ज़्यादा खर्च कर लिए, फिर क्या पता उसकी आईडी पे बैन भी लग सकता है, परमानेंट बैन हो सकती है उसकी आईडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम लोगों को पता है कि वो तो हानिकारक होती है। तो हाँ, जिन्होंने थोड़े बहुत खर्च किए तो उनकी आईडी या टेम्परेरी बैन हो सकती है। 7-8 दिन बाद तुम लोगों को तुम्हारी आईडी वापस मिल जाएगी, वो सारी चीज़ें वापस लेने के बाद। तो देखते हैं, बताना गाइस तुम लोगों में से किस किस ने मतलब आईडी रिस्ट्रिक्शन लग चुका है, किसकी आईडी बैन हो चुकी है, और किसको इस इवेंट के बारे में पता था, और मतलब सॉरी, किसको इस ग्लिच के बारे में पता था और किसको नहीं पता था। कोई होगा मेरी तरह जिसको नहीं पता था और तुम चाहते होगे कि तुम्हें भी पता चले। तो तुम लोगों को अब कैसा लग रहा है कि उनकी आईडी बैन होने वाली है? चाहे टेम्परेरी बैन लगेगा, बट फिर भी 7-8 दिन बहुत होते हैं जो गेम लवर होते हैं, उनको 7-8 दिन की आईडी ना मिले तो। तो गाइस, बताना तुम लोग कि कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।